अतिथि देवो भव ये भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है, यानी कि भारत में आए हुए हर मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और इसी बीच एक बांग्लादेशी फैन के पिटाई का जो मामला सामने आया, जिस तरह से पूरी दुनिया की मीडिया ने जानबूझकर भारत की संस्कृति पर सवाल उठाए, जिस तरह से बताया गया कि उस फैन की पिटाई हुई है, वो काफी निंदनीय है। और अब जब उस स्टेडियम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और टाइगर रॉबी जिस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया उसका जब बयान सामने आया तो सारी तस्वीर साफ हो गई है। क्या है पूरा मामला वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। ग्रीन पार्क के स्टेडियम के सी बालकनी के स्टैंड में टाइगर रॉबी नामक व्यक्ति अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान वो व्यक्ति जो है डिहाइड्रेट हो गया था और उसके बाद वो मैदान से बाहर आया और वीडियो में देखा गया कि कुछ लोग उसको घेर कर खड़े हैं और फिर उसको कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं। इस दौरान टाइगर रॉबी से पूछा गया कि आपको मारा गया पीटा गया, तो वो हां में हां मिलाते हुए नजर आए, मना नहीं किया। फिर क्या, इतनी सी बात सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई और लोग कहने लगे कि भारत में आए हुए लोगों का स्वागत करना नहीं आता है, कानपुर के लोग किसी को भी कूट दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं बिना जाने बूझे। अब इस मामले को तुरंत यूपी पुलिस ने संज्ञान में लिया क्योंकि मामला इंटरनेशनल था और तुरंत टाइगर रॉबी नामक व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए। जब अस्पताल गए तब वहां पर सारा खुलासा हो गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बताया कि टाइगर रॉबी का पेट खराब था और वो इसीलिए मैदान से बाहर आए थे। इस दौरान टाइगर रॉबी को कमजोरी महसूस हुई और वो वहां पर बैठ गए। अब आप सीसीटीवी में देखिए कि टाइगर रॉबी अकेले चलता हुआ बाहर आ रहा है, कोई उसके आसपास नहीं है। इस बार वो बीच रोड पर बैठ जाता है। ये तो कानपुर के लोगों की भलाई है, अच्छी बात है कि उन्होंने टाइगर रॉबी से पूछा कि क्या हुआ है। इसके बाद उस व्यक्ति को उठाकर एक चेयर पर बैठाया गया। फिर यूपी पुलिस आती है और लेकर जाती है टाइगर रॉबी को अस्पताल में और वहां पर पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया है कि मारा पीटा नहीं गया था और टाइगर रॉबी जो है वो खुद जानबूझकर ऐसी अगर बातें बना रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चोट के निशान नहीं पाए गए हैं शरीर पर और डॉक्टर्स ने बताया कि किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई है। अब टाइगर रॉबी ने असल में ये क्यों किया, क्यों लोग कह रहे हैं कि टाइगर रॉबी को मारा गया। दरअसल टाइगर रॉबी ने कानपुर टेस्ट से 3 दिन पहले एक पोस्ट किया था जहां टाइगर रॉबी ने लिखा था कि कानपुर के टेस्ट में मुझे मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, लोग मुझसे गुस्सा है। यानी कि 3 दिन पहले इस व्यक्ति ने प्रिडिक्ट कर दिया था इसके साथ ये सब होने वाला है, तो ये तो एक नौटंकी हो गई। जानबूझकर कुछ पहले ही बयान देना और फिर उसके लिए माहौल बना लेना ये तो गलत है। और बिना जाने बूझे मीडिया भी, लोग खासकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो है वो भारत की संस्कृति पर सवाल उठाने लगे थे। अब जब तस्वीर साफ हो गई है, टाइगर रॉबी ने खुद पुलिस से बता दिया कि उसको मारा नहीं गया है, अब ये सोचकर भी थोड़ा सा लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बिना जाने पूछे बिना पड़ताल किए किसी भी चीज को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि इससे देश की संस्कृति पर सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।